विदिशा के पुरनपुरा क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मकान मालिक अपने परिवार के साथ विदिशा में ही किसी मकान के उद्घाटन में गए हुए थे, तभी मौका पाकर चोर उनके मकान में घुस गए और मंगलसूत्र तथा सोने की चूड़ियां सहित कुछ सामान लेकर भागे। आसपास के लोगों ने बताया कि एक चोर नीचे पहरा दे रहा था और दूसरा मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। तभी लोगों ने चोर को चोरी करते हुए देखा और पड़ोसियों की मदद से चोरों को पकड़ लिया गया, जिनके पास से कुछ सामान भी मिला है। साथ ही चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी सहवाज खान का कहना है कि चोरों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, उनसे लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। सर, आज 12:30 में मेरा दोस्त का घर उद्घाटन था, वहाँ हम लोग सब ताला लगा के गए थे। तो चोर आए और मंगलसूत्र पिंडल ले गए, चार कंगन ले गए, चेन ले गए और बहुत से पैसा ले गए। अंदर से छत से अंदर गए, पोर्च में से मेन गेट का। किन लोगों की मदद से पकड़ा है चोर? पर कहां क्या हुआ? मेरी बच्ची और एक लड़के बाजार में से आ रहे थे, उन लोग देखे, जैसे आए तो एक बाहर था, उसने बता दिया अंदर वाले को फोन करके कि भग जाओ, आ गए। तो उसने छत में से कूद के खेत में भग गया। सर, यहाँ पर पास में चोरी हुई है सर? इनके घर पर, ये कृष्ण अंकल हैं, उनके घर पे चार चोर आए। तो दो लड़के थे सर, तो वो एक पहरेदारी कर रहा था बैठ के और एक अंदर घुसा हुआ था। तो मैं घर से निकल के आया तो वो वहां बैठा हुआ था, तो हम वहां सामने जाके बैठ गए घर दुकान पे, रिधि में किराना पे। तो उनके बच्चे दौड़ ला के आए, हमारे घर में चोरी हो गई। एक चोर छत पे से कूद के भागा 2 मंजिल से। तो दूसरा जो हमने गाड़ी से उनका पीछा किया तो एक रस्ते में पकड़ा गया, तो उसने दूसरे लड़के को फोन लगा के बुला लिया, मान लेके जो फरार हुआ था। ये लाल धाव पुरनपुरा पे एक टीचर है, शासकीय टीचर सुरेश खुजूर जी, ये अपने परिवार के साथ पैराडाइज में गए हुए थे अपने किसी दोस्त के मकान के उद्घाटन में, और उनके बाद इनके बच्चे भी निकल गए थे घर से। तो जब बच्चे वापस आए करीब 2 बजे, उनके घर का ताला टूटा पड़ा था, अंदर जाके बच्चों ने देखा तो 2 चोर अंदर दिखे इनको। जब इनको देख के बच्चों ने चिल्लाया तो उन पर हमला करते हुए वहां से भागे। बच्चे बाहर निकल के शोर शराबा किया तो मोहल्ले के लोगों ने घेर के उनको पकड़ा। उस साथ में एक ने अपना नाम दीपेंद्र पारदी निवासी झिरिया बसोदा, दूसरे ने अजविंद पारदी निवासी जत्रापुरा बताया। दोनों का अभिरक्षा में ले लिया गया है, इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मतलब मिलने आते हम मिले थे और कहीं नहीं, और कभी नहीं भाई, कभी चोरी नहीं करी। इसके बाद पहली बार इसके साथ घूमा हूँ। यही चोरी करने आया हूँ? नहीं, मैंने नहीं करी, सब इसी ने करी। पड़ोस के छत पे कैसे चले गए थे तुम? मैंने यही गया था, मेरे को नहीं पता। यही गया था।